back to the streets. वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और आज हम बात करने वाले हैं क्रेटा नाइट एडिशन की। और ये जो नाइट एडिशन है ये आपको सिर्फ एस प्लस वेरिएंट में मिल जाएगा, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही, और आता है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो सबसे पहले इसकी कीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी आपको कीज़ मिलती है टिपिकल ह्यूंडई स्टाइल, जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और यहाँ पे होल्ड करके रहोगे तो टेल गेट हो जाता है आपका अनलॉक। दो कीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी एंड बाकी ये इसका ओवरऑल लुक है। माइनर सी चेंजेस है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो मेजर चेंजेस इसमें हुई है वो ही मैं आपको बेसिकली बताऊंगा और बाकी जो भी थोड़ा बहुत इंटीरियर्स का रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। यहाँ पे आपको जो सबसे पहली चेंज दिख रही होगी वो उसके ग्रिल की है। सो फुली ब्लैक ग्रिल अब दे दी गई है पियानो ब्लैक में और यहाँ पे रेड एसेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। बीच में हुंडई की बैजिंग आपको मिल जाएगी और साथ में ये रेड कलर में भी आ रही है और ब्लैक कलर में भी आ जाती है जो नाइट एडिशन है। सो यहाँ पे रेड कलर में भी काफ़ी यूनिक लगती है देखने में। ऊपर की साइड जो रूफ रेल्स है वो भी अभी यहाँ पे आपको फुली ब्लैक दिखते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं इसका बोनेट हुड। तो ये इसका इंजन सेटअप यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो आपको 113 BHP की पावर प्रोड्यूस करके देता है एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। 4 सिलेंडर इंजन है। ऊपर की साइड आपको यहाँ इंसुलेशन दिख रही है, अभी इंजन ऑन है। वाइब्रेशन से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। इंजन नॉइज़ कैसी आ रही है वो भी हम को नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एमरॉन की बैटरी लगी हुई है और जो नीचे का पैनल है ये भी काफ़ी हद तक कवर्ड है। सो ये इसका इंजन सेटअप था। ये गाड़ी आपको रेड कलर में कैसी लग रही है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का आपको बटन मिल जाएगा। सो यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी फ्रंट लाइट सेम है, ये आपको LED DRLs मिल जाता है। ट्राई एरो बीम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। नीचे की साइड फॉग लैंप है और ये भी पूरा ब्लैक आपको नीचे का पोर्शन मिल जाएगा। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मैं इसमें जो चेंजेस की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको टायर्स इसमें मिल जाते हैं गन मेटल फिनिश में। सो ये भी आपको फुल ब्लैक में यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स दिख रहे होंगे। सो ये एक चीज़ नई आ जाती है इसमें। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। फ्रंट के आपको मैकफर्सन सस्पेंशन दिए गए हैं। साथ में जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 190 mm। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो नीचे का पोर्शन है इसको भी उन्होंने पियानो ब्लैक दिया गया है। तो थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, ये भी पियानो ब्लैक का यहाँ पे टच दिया गया है। ओवरऑल जो इसकी साइड लुक्स है उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं लग रहे, बस ये वाला जो पोर्शन है जो बाकी सारी क्रेटाज़ में ग्रे कलर का आता है तो ये पूरा ब्लैक कलर का दिया गया। जैसे वहाँ पर दिखा दूँ सो ये वाली जो क्रेटा है इस पर ग्रे कलर का है ये, बट अब यहाँ पर ये भी ब्लैक कलर का कर दिया गया है। ऊपर की साइड रूफ रेल्स है और यहाँ आपको मिल जाता है इसका पैनारोमिक सनरूफ, जो कि काफ़ी इसका एक डिमांडिंग फीचर भी है और मोस्ट सेलिंग। यहाँ पे इसका फ्यूल लिड है, सो 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। ये टेल लाइट्स है LED में दी गई है, ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है। बीच में ब्रेक लाइट आ जाती है, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया। स्पॉइलर इंटीग्रेशन भी काफ़ी सही है, सो पीछे पूरा मर्ज हो जाता है इसके साथ में। और ये जो पूरा पिलर का डिज़ाइन है ये पूरा इन्होंने ब्लैक रखा है। टेल गेट ओपन करने से पहले यहाँ पे आपको क्रेटा लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे की साइड आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। तो इसको ओपन करते ही यहाँ पे पार्सल ट्रे आ जाती है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहती है। और पूरा ये फ्लैट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, हार्ड पूरा मटेरियल दिया गया है। 433 लीटर्स की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगी। साथ में ये आपको थोड़ी सी यहाँ जगह मिल जाती है कुछ सामान रखने के लिए और ये बूट लाइट दी गई है। और इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो कि स्टील रिम में दिया गया है और इसका साइज़ है 16 इंच का। पीछे नाइट एडिशन यहाँ पर लिखा गया है। सो नाइट एडिशन में ओवरऑल बात की जाए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, स्टैटिक लुक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और साथ में जो अंदर भी इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, जो इसका सीट का पैटर्न है ऑल ब्लैक कर दिया गया है और रेड एसेंट्स दिए गए हैं इसके AC वेंट्स के साथ में। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड अब यहाँ पे ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के बटन दिए जाते हैं, ORVM के कंट्रोल्स, और इनमें नॉर्मल है 1 टच अप एंड डाउन, किसी में भी नहीं दिया गया इस वेरियंट में जो नाइट एडिशन है। साथ में जो इसका क्लस्टर है वो यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाती है, ये रेगुलर डिस्प्ले से थोड़ी सी छोटी है। जो रेगुलर है वो 10.25 इंचेस की आती है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी सी छोटी है। बाकी ओवरऑल इसके जो डैश है इसमें आपको पूरा कुछ ऑल ब्लैक का मिल जाता है। साथ में ये आपको रेड एसेंट्स दिए गए हैं जैसा
Hyundai के टर्बो वेरिएंट्स में दिया जाता है, जो कि रेड कलर की चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे नाइट एडिशन में इन्होंने रेड इंसर्ट्स दिए हैं। इंजन वाइज तो सेम है, कोई ऐसा स्पेक इंजन का चेंज नहीं किया गया। मेजर जो इसका चेंज है, स्टैटिक ही चेंजेस यहाँ पे रहेंगी। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ सीट्स की बात करें तो सीट्स आपको यहाँ पे डिफरेंट मिल जाती है, जो सीट की जो यहाँ पे फैब्रिक की मिल जाती है, और रेड कलर की लाइनिंग आपको यहाँ पे साइड पे दी गई है, इवन यहाँ ऊपर की साइड पे भी दी गई है। सो ऐसा कुछ पैटर्न दिया गया, और पीछे भी आपको यहाँ पे यही सीट कवर्स दिए गए हैं। साथ में बीच में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलती, दो फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। साथ में जो ड्राइवर साइड सीट है, ये आपको 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है, और दूसरी वाली आपको 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। सो यहाँ पे आपको 6-speed गेयरबॉक्स दिया गया है, 2 कप होल्डर्स यहाँ मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक दी गई है, और ये स्लाइडेबल नहीं है, बट इसको ओपन कर लोगे तो थोड़ी डिसेंट सी स्पेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो स्टेयरिंग व्हील इसका फ्लैट बॉटम के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, और जो बटन का जो फील है ये भी काफ़ी टेक्टाइल है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जो डिस्प्ले दी गई है क्लस्टर की, आपको यहाँ पे टैकोमीटर स्पीडोमीटर दिया गया है, बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन, ड्राइव इन्फो, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और फ्यूल इकोनॉमी क्या रही है, ये सब यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है, और यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स है, लाइट, डोर, साउंड, कन्वीनियंस, और ये सब मतलब सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं है। यहाँ लीवर्स की बात कर ले तो ये आपको मिल जाता है, लाइट का और टर्न इंडिकेटर्स का, और दूसरी साइड बात कर ले तो यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों के। साथ में जो नाइट एडिशन है उसमें आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। सो ये दोनों आपके ऑटोमेटिक यहाँ से खुल जाते हैं, वन टैप ओपन के साथ है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आप पूरा पीछे प्रेस कर लोगे तो ये दोनों ही ओपन हो जाते हैं, और ये सनरूफ शायद और भी खुलता है। तो पूरी, हाँ पूरी ओपनिंग इसकी इतनी है, काफ़ी वाइड ओपनिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसको क्लोज़ करते हैं, एक सिंगल सा छोटा सा टैप करोगे तो आपका जो सनरूफ है वो क्लोज़ हो जाएगा, और पूरा आगे के लिए इसको स्लाइड करोगे तो जो ब्लाइंड है वो भी क्लोज़ हो जाएगा, और वन टैप से हो जाता है। ऐसे मैंने ये कर लिया तो अभी ब्लाइंड अपना क्लोज़ हो रहा है। साथ में ये आपके लाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं, सो वाइट कलर की लाइट्स दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सनग्लास होल्डर आ गया, साथ में ये IRVM आ जाता है, ऑटो डिमिंग नहीं है इसमें, मैनुअल है। सो ये देख लेते हैं, ये ब्लाइंड्स आ गए, सन ब्लाइंड्स आ गए, टिकट होल्डर यहाँ पे दिया गया, और दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर और एयरबैग्स की ब्रांडिंग। डिस्प्ले यहाँ पे ब्राइट है और ठीक ठाक। यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है ये भी हुंडई का सेम ही है, मतलब जितनी भी हुंडई की गाड़ियाँ आती है लो रेंज से लेके हाई एंड तक, 10-15-20 lakh तक, सब में टच रिस्पॉन्स सेम रहता है, और इनका इंटरफेस भी सेम है। सो ऐसा कुछ है। यहाँ पे वायर्ड आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे आपको रेडियो कनेक्टिविटी, फ़ोन कनेक्टिविटी, और सेटिंग्स में चले जाते हैं तो आपको साउंड, डिवाइस, डिस्प्ले बटन, जनरल, वाईफाई, जनरल में चले जाते हैं तो जनरल में आपको ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सो अपडेट्स भी इसमें आते रहेंगे, सो वो भी आपको मिलते रहेंगे। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, AC की डिस्प्ले यहाँ मिल जाती है, हैजर्ड स्विच दिया गया है ये नीचे आपको, साथ में थोड़ी स्पेस दी गई, अपना सामान वगैरह रख सकते हो। ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB पोर्ट, और ये थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे दिया गया अलग से पोर्ट, तो यहाँ आप अपनी की वगैरह भी रख सकते हो। साथ में ये आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जो कि डिसेंट साइज का है वही, बट ये अच्छी चीज़ है, कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ दिया जाता है। एंड साथ में आपको चारों ही डोर्स में बॉटल होल्डर मिल जाता है, और फ्रंट में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ स्पेस मिल जाती है, जैसे खोल के मैं दिखा देता हूँ, तो ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रख सकते हो, एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको काइंड ऑफ प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे बॉटल आ जाती है, और यहाँ पे आप सैनिटाइज़र की बॉटल रख सकते हो। फ्यूज़ बॉक्स ये आ गया आपका, और ये आ जाता है आपका बोनेट ओपन करने का। साथ में सेफ्टी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स दिए जाते हैं, ABS और EBD मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको बीप की वार्निंग मिल जाएगी 18-120 पे। सो ये थी आपकी Hyundai Creta नाइट एडिशन। जाके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।